कैद है, पुलिस पूरी तरह से तैयार है और किसान भी तैयार है। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर पीछे किसानों का धरना है। ये किसानों को रोकने के लिए जो पुल है, घग्घर का पुल है, उसको सील किया जा रहा है और सीमेंटेड सील किया जा रहा है। नेशनल हाईवे NH44 को सील किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं सीमेंटर यहाँ पर बुलाया गया है। और तस्वीरें आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ एक्सक्लूसिव पंजाब केसरी टीवी पर, अगर आपको देखेंगे देख लीजिए, 3 दिन पहले से ही यहाँ पर इंतजाम कर लिए गए हैं। और मैं सामने आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए ये किसानों को रोकने के लिए जो पुल है, घग्घर का पुल है, उसको सील किया जा रहा है और सीमेंटेड सील किया जा रहा है। आप सामने देख सकते हैं सीमेंटर मंगा लिया गया है और 6-6 फुट के बड़े बैरिकेड्स यहां पर लगा दिए गए हैं। और तस्वीरें आपको मैं अगर दिखाना चाहूं एक्सक्लूसिव पंजाब केसरी टीवी पर, अगर आपको देखेंगे तो करीब ये 6 फुट के जो सीमेंटर है, यहाँ पर सीमेंट के बैरिकेड्स हैं, इसको लगा करके सील किया जा रहा है और सीमेंट से भरा जा रहा है। नीचे अगर मैं कहूं तो सरिये हैं और एक तरह से ये लेंटर्ड इसको बनाया जा रहा है ताकि किसी भी कीमत पर किसान इसको भेद ना पाए। किसानों का ट्रैक्टर, चाहे वो जेसीबी भी अगर ले आते हैं तो उससे भी भेदा ना जाए, इसकी तैयारी यहां पर पुलिस ने कर ली है, पुलिस प्रशासन ने कर ली है। और ये बहुत ही मजबूत दीवार, अभेद दीवार यहाँ बनाने की तैयारी है। और नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सरिये लगाए गए हैं और उन सरियों के जरिए इस पूरे रास्ते को सीमेंटेड तौर पर लेंटर की तरह, मजबूत लेंटर की तरह यहां पर सील कर दिया जाएगा और ताकि किसी भी सूरत में किसान यहां से आगे ना आने पाए। किसान जत्थेबंदियों की जो किसान संघर्ष समिति SKM अराजनीतिक गैर राजनीतिक जो मोर्चा है और उसके अलावा जितने किसान संगठन है उनकी जो कॉल है उसको लेकर के प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और किसी भी तरह की चूक करने में इस बार मूड में नहीं है। और नेशनल हाईवे NH44 को सील किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं सीमेंटर यहां पर बुलाया गया है और सीमेंट के जरिए इस पूरे रास्ते को पक्का मजबूत सील किया जा रहा है और ताकि यहां पर किसी भी सूरत में यहां लोग इसको, किसान किसी कीमत पर इसे पार ना कर सके। और ये जो रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है ये NH44 है और ये शंभू बॉर्डर है, बिल्कुल ठीक यहाँ पर 500 मीटर का फासला है यहाँ से। और ये घग्घर नदी के पुल का ऊपर का हिस्सा अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए इस पूरे हाईवे को, नेशनल हाईवे को कोई भी पार ना कर सके, किसान किसी सूरत में इसे पार ना कर सके, इसलिए यहाँ पर लेंटर डालने की व्यवस्था की जा रही है और नीचे सरियों का एक जाल बिछाया गया है और ये इस पूरे रास्ते को मजबूत सीमेंट की एक अभेद दीवार बनाने की कोशिश यहाँ पर प्रशासन कर रहा है ताकि किसान किसी कीमत पर इस पार से उस पार ना जा सके। जो गलती पिछली बार कहीं ना कहीं प्रशासन ने की थी उसको दोहराया ना जा सके और किसान आर पार ना हो सके, इसको लेकर के प्रशासन सतर्क है। 13 तारीख दिल्ली कूच है और आज 10 तारीख है, 10 तारीख यानी 3 दिन पहले ही प्रशासन इस पूरे रास्ते को सील करने की तैयारी में है। और अब फिलहाल यहां से पंजाब होते हुए अगर किसी ने भी शंभू बॉर्डर को क्रॉस करके अम्बाला से होते हुए दिल्ली जाना है तो उसको बेहद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हमने इससे पहले लाइव तस्वीरें भी दिखाई और ये घग्घर नदी का पुल है, मैं आपको दिखा दूं, ये नीचे देखिए घग्घर नदी बह रही है। पिछली बार किसान इस पुल को दूसरी तरफ से पार करते हुए आगे निकल गए थे लेकिन अब की बार किसानों को रोकने के लिए एक मजबूत प्लान प्रशासन ने बना लिया है और उस प्लान को फेल कर पाने के लिए भी किसानों की रणनीति भी लगभग बनिया शुरू हो चुकी है। किसान किस प्रकार से प्रशासन को फेल करेंगे ये देखना होगा। लेकिन देखिए लोग भी वहां पर मौजूद हैं और ये घग्घर नदी जो पुराना पुल है इसको दोनों तरफ से पाट दिया गया है और करीब 6 से 7 फुट गहरा गड्ढा कर दिया गया है कि लोग किसी भी कीमत पर, किसान किसी भी कीमत पर अपनी गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से ना आ सके। और पुलिस की गश्त देखिए आप सामने वहां पर शुरू हो चुकी है और अभी क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि एक महिला अपने छोटे बच्चे को लेकर के नदी में गिरी और डूबने से बची, इसीलिए अब पुलिस भी यहां पर मुस्तैद है ताकि किसी प्रकार के हादसे से बचा जाए। लेकिन प्रशासन और किसान आमने सामने हैं, किसी भी सूरत में किसानों को आगे जाने ना दिया जाए, इसके लिए तरह तरह के जो
हम कहें कि रणनीतियां पुलिस बना रही है, प्रशासन बना रहा है, और इस पूरे हाईवे को राजपुरा नेशनल हाईवे के पास से जहां राजपुरा के लिए सड़क मुड़ती है वहीं से रोक दिया गया है, और करीब 10 किलोमीटर का सफर आपको तय करके यहां पर आना पड़ेगा, और लोग यहां पहुंच रहे हैं, और उसके बाद यहां आकर के उन्हें यह पता चलता है कि रास्ते दोनों तरफ से बंद हैं, लोग परेशान हैं, और फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो इस पूरे रास्ते को, इस पूरे हाईवे को सील कर देना चाहती है, और ताकि किसी भी सूरत में किसानों का ट्रैक्टर इस पार से उस पार ना जा सके, किसान अपने ट्रैक्टर जिसे वो टैंक कहते हैं उसको लेकर इस पार से उस पार ना जा सके। फिलहाल स्थिति यहाँ पर किस प्रकार की है वो हमने आपको दिखाया है, और प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस पूरी तरह से तैयार है, और किसान भी तैयार हैं। यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर पीछे किसानों का धरना है, और ये सांकेतिक धरना है, इसके बाद किसान पक्के तौर पर 12 तारीख से ही दिल्ली की ओर कूच कर दे जाएंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।